नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसाइंस एंड ट्रॉमा सेंटर, सिद्धगिरी बाग रोड, सिगरा, कस्तूरबा नगर, वाराणसी से आज आपको मिर्गी के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मिर्गी रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग से कुछ विद्युतीय तरंगे निकलती हैं, जिसकी वजह से शरीर के किसी भाग में या पूरे शरीर में कुछ एबनॉर्मल घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से आदमी बेहोश भी हो सकता है। मिर्गी कई प्रकार की होती है, जैसे फोकल कन्वर्जन या जनरलाइज कन्वर्जन, जिसमें किसी कैसे पता चले कि किसी मरीज को मिर्गी का झटका है या और कोई घटना हो रही है, इसके लिए हमको उसके लक्षण जानना जरूरी है। इसके लक्षणों में यदि किसी को शरीर के किसी एक अंग में फड़कन हो रही हो, या उसको जर्क्स आ रहे हो, झटके आ रहे हो, या पूरा शरीर का एक तरफ झटका आ रहा हो, या उसके होठ फड़फड़ा रहा हो, आँख की पुतलियाँ सिर्फ हिल रही हो, जीभ बाहर निकल आया हो, जीभ कट गया हो, कपड़े में पेशाब हो जाए, पूरा शरीर हाथ पैर कांपने लगे, या मरीज बेहोश हो जाए, ये सब मिर्गी के लक्षण होते हैं। अन्य लक्षणों में कई बार मरीज एकाएक बैठे बैठे किसी काम को करते वक्त अचानक से चुप हो जाना, या अचानक से एकाएक गिर जाना, चोट लग जाना, या एकाएक मरीज के सामने पूरा अंधेरा छा जाना, ये सब भी मिर्गी के ही लक्षण होते हैं। यदि आपके सामने किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो, तो उसको हमें कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, सबसे पहले ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को सड़क पे या किसी असुरक्षित जगह पे किसी को यदि दौरा आ रहा हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को हमें किसी सुरक्षित स्थान पे लेटा देना चाहिए, जहाँ और आसपास भीड़ ना लगाए उसके, जिससे कम से कम उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो और सेकेंडरी ब्रेन इंजरी ना हो। मिर्गी पूरा खत्म होने का वेट करें, और जब मिर्गी पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मरीज को करवट लेटा दें, उसके मुंह में यदि कोई चीज हो तो उसको धीमे से बाहर निकाल दें, उसके कपड़े यदि टाइट हों तो ढीला कर दें, स्पेशली नेक गर्दन के अराउंड यदि कोई टाई वाई लगा रखी हो या कमर में टाइट बेल्ट बांधा हुआ हो तो उसको ढीला कर दें, आस पास भीड़ न लगने दें, उससे मरीज को उठाने की जबरदस्ती जगाने की कोशिश न करें, धीमे धीमे आवाज में उसको उसका नाम पता पूछें, उसका मोबाइल नंबर पता करने की कोशिश करें, उसके घर वालों को जानकारी दें, पहले से कोई उसके पास कोई कार्ड वर्ड हो तो उसको देखने की कोशिश करें, या उसके किसी डॉक्टर से बात हो पाए किसी संपर्क नंबर से तो उससे बात करने की कोशिश करें। यदि बार बार उसको मिर्गी का दौरा आ रहा हो तो अन्यथा विलंब न करें, तुरंत अस्पताल लेके जाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें जो मिर्गी के समय नहीं करनी चाहिए, उसमें सबसे ज़रूरी है यदि दौरा आ रहा हो तो उसको ज़बरदस्ती पकड़े नहीं, उसके मुंह में यदि कोई कपड़ा वपड़ा डालने की या कोई चम्मच डालने की कोशिश न करें, उसको जूता सूंघाना और ये सब जो पुरानी बातें हैं उसको न करने की कोशिश करें। और यदि उसके मुंह में यदि उसके इर्द गिर्द कोई खतरनाक चीज़ या कोई शार्प चीज़ रखी हुई हो तो उसको तुरंत हटा दें। ये सब प्रिकॉशन जिस समय मिर्गी का मरीज दिख रहा हो मरीज में, तो उस समय ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए। कई बार मिर्गी के मरीजों को पहले से आभास हो जाता है कि मुझे मिर्गी आने वाली है, उसको ऑरा पीरियड कहते हैं, मिर्गी आने के पहले के समय को उसको ऑरा कहते हैं। उस समय मरीज को खुद ही जो है जिस व्यक्ति को झटके आ रहे हैं उसको खुद ही सतर्क हो जाना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर खुद ही चले जाना चाहिए, और प्रेफरेबली लेटने की यदि जगह दिखे तो लेट जाना चाहिए, अपने किसी संबंधी को या किसी डॉक्टर को या आसपास कोई भी जो समझदार आदमी दिखे उसको बता देना चाहिए कि मुझे मिर्गी आती है और मेरी आपको मदद करनी पड़ेगी, ऐसा बताना पड़ता है। उस स्थिति में फिर मरीज जो है अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पाएगा। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मरीज को मिर्गी आने के बाद भी जो उसको परेशान कर सकती हैं, उसको पोस्टिक्टल स्टेट कहते हैं, जिसमें मरीज काफ़ी समय तक बेसुध रह सकता है, उसको अपनी याददाश्त नहीं रहेगी,
तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को भी जो है कुछ ध्यान रखना चाहिए और घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। मिर्गी के रोगियों को क्या सबसे अधिक जरूरी है कि दवाओं का जो सेवन है वो रेगुलर करते रहें, उसमें कोई कोई डिले या कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे जिस डॉक्टर से संपर्क करें, जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसी के टच में रेगुलर रहें और उसकी उसके बिना परामर्श के दवाएं बंद ना करें। आमतौर पर दवाएं मिर्गी में 3 साल तक चलाई जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को 3 से 5 साल तक झटका ना आए तो उसको बाद में बंद भी किया जा सकता है। कुछ धारणाएं जो मिर्गी से संबंधित हैं समाज में, जैसे मिर्गी आते वक्त अक्सर लोग जूता सुखा देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं बंद होनी चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों कुछ इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मिर्गी के रोगी अपने आप को एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करें, या समाज को भी उनको एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करना चाहिए। और सिर्फ दवा के रेगुलर सेवन से एवं रेगुलर डॉक्टर के परामर्श से कुछ एहतियात बरतते हुए, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते हुए मिर्गी पे पूर्णतः लगभग 95% टाइम्स में कंट्रोल किया जा सकता है। भविष्य के लिए भी ऐसे रोगियों में कोई समस्या नहीं होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।